हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल ऑफ यू गुड वेल। सो आप सभी का मोस्ट वेलकम है अगेन से टेक आईटी एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया में एक और चीज़ है। हमारी जो सीरीज चल रही है पाइथन की, उस सीरीज को कंटिन्यू चल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेसन। व्हाट इज द जेसन? जेसन बेसिकली क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं पाइथन की, बात करेंगे पाइथन की, लेकिन एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में जो हमारा होता है जेसन, जावास्क्रिप्ट में जो आप डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट, उसको जो हम अपने पाइथन के डिक्शनरी वाले ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, या पाइथन के डिक्शनरी को कैसे हम कन्वर्ट करें अपने जावास्क्रिप्ट के जेसन में, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पाइथन जेसन ऑब्जेक्ट रिलेशन, ये हमारी होती है आज की कहानी है। चलिए, रिलेशन आर ई रिएक्शन, ठीक है, हमने रिएक्शन लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा? आर ई एल ए होगा, ठीक है, आर ई एल ए रिलेशन होगा। इसके बारे में बात करने वाले हैं, और इसकी नीड कब पड़ेगी? जब भी आप पाइथन की हेल्प से वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो उस केस में आपको जब पाइथन में आप कोड राइट करोगे बैकएंड का, तो वहां से अगर डाटा आपको फ्रंट एंड में भेजना हो, तो आपने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा डिक्शनरी फॉर्म में, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि पाइथन में कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं की और वैल्यू के बिहा पे। तो उसी वैल्यू को मुझे अगर फ्रंट एंड में दिखाना हो, तो फ्रंट एंड में तो आप पाइथन देखते नहीं है, फ्रंट एंड में आपके पास होता है सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में उसे चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए होता है हमारे पास जेसन फॉर्मेट, जहां पर पढ़ेंगे अपना हम डंप और लोड फंक्शन के बारे में आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ने के लिए नीचे कमेंट में आप मुझे लिख के दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी क्वेरी क्या है, आपकी डिमांड क्या है, मैं उस पर भी हमेशा काम करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन हमेशा मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप मुझसे फॉर्म फिल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उसकी हेल्प से आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, एनालाइज करूंगा। सबसे पहले, जब भी आप पाइथन के अंदर जेसन को इंपोर्ट करना चाहोगे, तो आपको पता है कि हम कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट JSON जेसन कर लेते हैं, और इसका शॉर्ट नेम करते हैं एज, इसका हम एलियास बनाते हैं शॉर्ट नेम, जेसन इंपोर्ट जेसन एज जेस नाम से रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब भी जहाँ जहाँ मैं अपना जेसन फॉर्मेट करना हुआ, तो मैं जेस की हेल्प से करूँगा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे एक सबसे पहले बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्या देखो, आप मान के चलो यहाँ मेरा एक डिक्शनरी है, यहाँ मेरा क्या है, डिक्शनरी है, और ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं पाइथन में हम डिक्शनरी कैसे हो इंसर्ट करते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट क्या कर दूँ, पी आर आई एन टी प्रिंट कर दूँ एक्स, एंड पी आर एन टी प्रिंट कर दूँ टाइप, प्रिंट क्या कर दूँ टाइप, टी आई पी टाइप, कहाँ क्या लिख दिया हमने, नो नो यार, यहाँ टाइप क्या, टाइप के अंदर वैल्यू से हम अपने पाइथन के डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। पाइथन में जितने भी हमारे टाइप्स की होती है डेटा टाइप, उनको हम चेक कर सकते हैं। फाइल को सेव करते हैं, और नीचे जरा इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यहाँ से स्क्रीन को टर्मिनल क्लियर करते हैं स्क्रीन से, और फिर से करेंगे इसको एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि एच हमारा क्या चलने वाला है। हमारा एच चलने ही वाला क्या है, ये हमारा था जेसन फाइल, इसको करते हैं। तो क्या आ गया, आप देख, तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा वैल्यू मेरा आ गया नेम। नेम इज क्या है, नेम आपका एक की है, इसकी वैल्यू क्या है जॉन। सेकंड की क्या है एज, इसकी वैल्यू क्या है 30। थर्ड की क्या है सिटी, इसकी वैल्यू क्या है न्यूयॉर्क। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगा, तो एस के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक की पास कर दूंगा। यहाँ पर मुझे अगर सिटी चाहिए, तो मैं सिटी को पूरा पास कर दूंगा, अब क्या मुझे ओनली सिटी ही मिलेगा। क्या मिला चाहिए मुझे, न्यूयॉर्क। एग्जाम्पल के लिए मुझे सिटी ना लिखी, मुझे कुछ अगर नेम चाहिए, तो मैं स्पेसिफिक नेम भी लिखता हूँ। ऐसे मैं अपने फाइल सेव करो, ऐसे में अपने जेसन जावास्क्रिप्ट वाले भी फाइल पे भी हम उसको कॉल करा पाएंगे। वो कैसे होगा सवाल ये, तो अगर मैं अब इसको मैं लिख दूँ ट्रिपल थ्री, अब मैंने इसको 3 बार सिंगल कोट्स में राइट कर दिया, अब क्या होगा? तो अब सवाल है, अब यहाँ पे आपकी लॉजिक होती है चेंज। आप इसे प्रिंट करोगे तो वैल्यू सेम आएगा, लेकिन हाँ, अब एक बार क्या होगा कि इसको करो कॉपी, इसे करो कमेंट, और नीचे आ जाओ, इसको पेस्ट करो। अब यहाँ से इसको हम, क्योंकि हम स्ट्रिंग की वैल्यू को हम इंडेक्सिंग इस तरह से नहीं रखते, वहाँ पे हमें इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, इंडेक्सिंग 0, इंडेक्सिंग 1, इंडेक्सिंग 2। जैसे हम, मैं इंडेक्सिंग 0 दे दूँ, तो आपकी बार आपकी वैल्यू आ जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये स्ट्रिंग टाइप बन गया, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसके अच्छी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में, तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू भी आएगी, लेकिन आपका क्लास क्या हो गया, एस टी आर हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं कि पाइथन के अंदर
किसी भी डेटा टाइप को अगर आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर राइट करते हो तो उस केस में आपका क्या बनता है, वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है, क्लास उसका स्ट्रिंग टाइप बन जाता है, वो आपको ऑलरेडी दिखा रहा है। तो सवाल है कि इसको कैसे, तो इसके लिए हमारे पास होता है क्या, वॉइस कंट्रोल। और जेसन जो आपका होगा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो इसी फॉर्मेट में आएगा। इसको आपको पाइथन वाले ऑब्जेक्ट में, मतलब पाइथन के डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं हम क्या, जेएस। जेएस क्या है, जो आपने जेसन को इंपोर्ट किया ना उसका जेएस नाम बनने लगा है, जेएस डॉट। जेएस डॉट क्या लगोगे, लोड। एक हमारा क्या है, लोड फंक्शन है, क्या आपका से एक लोड फंक्शन। इस लोड फंक्शन में आपको वही एक्स पास कर देना है, एक्स जब पास कर दोगे तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कमेंट कॉपी करते हैं, इसे कमेंट करते हैं, अब फिर आ जाओ ये देखो। अब यहाँ पे मैं एक्स ना लिखेगा लिखूंगा वाई लिखूंगा, तो अब क्या आएगा, अब आपका एच ओ पूरा क्या डिक्शनरी का जो वैल्यू आपकी वाई थी वो आएगा। फाइल सेव कर लो और नीचे आके इसको हम करते हैं टर्मिनल को करते हैं क्लीन, अगेन से रन करते हैं पाइथन को और इधर सीधा दिस इज माई नेम। तो ये था आपका लोड। लोड फंक्शन की हेल्प से आप जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर पाओगे अपने पाइथन के डिक्शनरी में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ये होती हमारी आपस में अभी एक और है, अभी एक और है कि आप पाइथन के वैल्यू को कैसे हम कन्वर्ट करें अपने जेसन में, उसके लिए होता है डंप फंक्शन। क्या आपका होता है, डंप फंक्शन। अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं इस पूरे कोड को ऐसे कॉपी करूं, मैंने इस पूरे कोड कॉपी किया और इसे कमेंट कर दिया और नीचे आता हूं और इसको पेस्ट करके यहां पे ना मैं अगर सिंगल कोटेशन ऐड करूं तो मेरा वो भी लॉजिक ऑलमोस्ट ठीक हो। ये हमारा पाइथन के लिए तीन बार होता है, जब हम पाइथन के सिंगल कोटेशन से कोई वैल्यू स्टार्ट करते हो हम कमेंट मानते हैं, उस कमेंट को अगर प्रिंट करते हो तो कमेंट भी आपकी प्रिंट हो जाती है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यस सर। सो अब ये क्या आपको होगा बेसिकली, अगर अब करोगे इसको तो भी आपका आंसर वही आएगा, दिस इज माय पॉइंट। ये मेरे क्या थे बेसिकली कि कैसे हम अपने जेसन वाले वैल्यू को हम अपने पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, ये था हमारा मेथड। अब बात करेंगे कि कैसे पाइथन की वैल्यू को हम कन्वर्ट करें अपने जेसन में, जिसके लिए होता है हमारे पास एक डंप फंक्शन। चलिए उसको डिस्कस करते हैं, इसे ऐसे हम कमेंट करते हैं, इसके मुझे अब नीड नहीं है, यह हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से अपना पाइथन का खुद का एक बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मैंने ऑलरेडी अपने डिक्शनरी क्रिएट कर रखा हुआ है, यहाँ पे आता हूँ इसे पेस्ट कर दूंगा। डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, ओबीजे है। इसके अंदर मैंने की ली है रोल नंबर, मान लो इसके लिए अगर स्टूडेंट है या कोई इम्प्लाई है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसका क्या हुआ, एक रोल नंबर हुआ। जो रोल नंबर क्या आपका है 10101, मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोग को स्प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर रोल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। इम्प्लाई इसमें क्या मैंने मान लिया, इम्प्लाई क्या आपका टेक आईटी सर्विस अकेडमी है। सैलरी मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए 30,000, और स्टार्टिंग में जब फ्रेश आपको मिलते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट मैंने मान लिया क्या मान लिया, डेटा साइंस। हम पाइथन यहाँ पढ़ इसलिए हैं कि पाइथन को हम परिवर्तन दो चीज़ें करने वाले हैं, अपना वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस, यही हमारा दो मोटिव है इस पाइथन कोर्स को पढ़ने का और कवर करने का। और आपका पीछा कभी भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पूरा मेरा मिशन होगा अगले डेटा साइंस का करियर कैसे मुझे डेवलप करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बैच पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए समझिए। अभी बहुत लंबी कहानी हमारी है पाइथन की, हम पाइथन से एक चीज़ सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाई स्टेप प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। सो अब क्या ऑलमोस्ट जो ना हम अपने बेसिक के एंड में हैं, बेसिक तो ऑलरेडी हम कवर कर लिए, अब बहुत जल्दी हम ऊप्स को स्टार्ट करेंगे ना, ऊप्स को स्टार्ट करने का बहुत जल्दी अपना हम फिर हम पढ़ेंगे कि एसक्यूएल MySQL कैसे पाइथन के ऐप से पढ़े, MongoDB कैसे पढ़े, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने की कहानी खत्म, फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे अपना हम वेब डेवलपमेंट और अपना डेटा साइंस करिए, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बात करेंगे अपना हम मैप लोड बहुत सारे आपकी लाइब्रेरी होगी। सबसे पहले मैं इसको एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ, ओबीजे है। चलिए फाइल को सेव करता हूँ, अब पी एंड प्रिंट में वही है। जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद नहीं सीखोगे कभी भी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप जो को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके सीखिए। फाइल करूँगा, ये आ गया रोल नंबर, ये इम्प्लाई, ये टेक आईटी सॉल्व, आपकी लाइन नहीं चेंज हुआ, ठीक है। रोल नंबर इम्प्लाई एंड सैलरी ये, लेकिन अब मुझे अगर स्पेशली कोई वैल्यू चाहिए होगा, मान लो ऐसे कर दूंगा डिपार्टमेंट DEPART, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, फाइल सेव करूँगा तो अब की बार आपका स्पेशली डिपार्टमेंट की वैल्यू ही आपकी आएगी, ये आप लोग को उम्मीद है। तो देखिए ओनली फॉर डिपार्टमेंट, सपोज यू वांट टू ओनली फॉर प्रिंट द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, तो EMPLOY डबल एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय की वैल्यू क्या आपकी आएगी, टेक आईटी सॉल्यूशन आपका आएगा। एक बार टर्मिनल को कर दो, स्क्रीन कर दो क्लियर और
आप प्रेस करो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके थे पॉइंट कि कैसे मैं स्पेसिफिक वैल्यू को भी मैं प्रिंट करा सकूं। सो अब मैं अगर इसी वाले ओबीजे को अब मैं अगर अपने जावास्क्रिप्ट में मुझे बैकएंड से डाटा को भेजना हो, सर्वर से डाटा को फेच करके मुझे भेजना हो फ्रंट एंड पे, तो उसे मैं कैसे भेजूंगा? तो उसके लिए हमारा होता है एक डंप फंक्शन। डंप फंक्शन के हम अपने पाइथन के डिक्शनरी को कन्वर्ट कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो फिर से आप बनाओ वेरिएबल वाई, बनाओ वाइज कर लो js डॉट डंप। क्या आपको पास फंक्शन है डंप? नहीं, डंप फंक्शन की हेल्प से आप ओबीजे पास कर दोगे। और जब ओबीजे पास कर दोगे और करना क्या आपको, इस कोड को कॉपी करना है और दोनों को बराबर जैसा होगा। एक बार कोड कॉपी करो और पेस्ट कर दो। और यहाँ पर करना क्या है, इन सब को हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे आपको वाई प्रिंट करना है। पहले पाइथन का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, फिर वाई होगा, और दोनों का आप कंपेयर देख लो यहाँ पे आप। ठीक है, जरा भाई इसको कर दो ऊपर, और जरा भाई इसको थोड़ा सा और कर दो नीचे। ये ठीक है, ये मेरा वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए कहाँ पहुँच गए हम। ये तो ऑलरेडी पकड़ चुके हैं भाई, ये तो हम पकड़ चुके हैं। हाँ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, चलो डन है। आप देखो कि क्या हुआ, पहले सबसे पहले यहाँ से अगर स्पेस है तो इसको स्पेस को कम करते हैं ताकि मुझे मेरा पूरा फाइल दिख जाए, मुझे पूरा फाइल दिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ठीक है, एक बार यहाँ से भी स्पेस को कम कर देते हैं। अब ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। और इसको थोड़ा सा करते हैं शॉर्ट, करते हैं छोटा करते हैं। चलिए इतना ठीक है, क्लियर है। अपने टाइम लेलो कर देंगे क्लियर CLS से, और इस फाइल को करेंगे एग्जीक्यूट। और देखना क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। जब इसने वाई में गया, जेस जो ऑब्जेक्ट आपका है किसका, पाइथन का, डंप ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया अपने जेसन वाले फॉर्मेट में। तो अब जब मैं इसको कल करो, ये हमारा कौन वही वैल्यू है जो पहले आपका रहा था, क्लास भी क्या इसका टाइप का डिक्शनरी आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, अब इसका टाइप, अब इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू उसकी ये आई है जो हमने प्रिंट किया वाई के अंदर पास करा के, वाई की वैल्यू क्या आ रही है ये, लेकिन इसका क्लास क्या आ रहा है, str। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हमने जब जेसन फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, इट मीन्स कि अब आपकी वैल्यू जेसन वैल्यू में हो चुकी है। और जेसन वैल्यू में क्या होता है, वो आपकी सिंगल या स्ट्रिंग के अंदर जाकर प्रिंट होता है। उसको अगर पाइथन के अंदर ही प्रिंट करोगे तो आपका STR ही बताएगा, जो ऑलरेडी नीचे हमने डिस्कस किया था इस वाले अपने मेथड के अंदर। बोलो नहीं किया था, क्यों नहीं कहते। तो यही हमारा फंक्शन है कि जब भी आप, अब इसको जब पाइथन के अंदर वैल्यू हमने प्रिंट करा के भेज दिया है, जब इसी को आप अपने जावास्क्रिप्ट में आप प्रिंट कराओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको एक्चुअल में देगा वैल्यू, और वहाँ पे आपके स्ट्रिंग में जाती है, मतलब आपका STR जहाँ पे आए स्ट्रिंग बन जाता है। यही मेरा आज का पॉइंट था, यही मेरा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें स्पेशली आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप देख लो। क्यों देखो, ये देखो नीचे लिखे हुए हैं, नीचे आपके लिखे हुए हैं कि पाइथन और जेसन, जो पाइथन आपकी डिक्शनरी है वो हमारे जेसन में बनता है ऑब्जेक्ट। कॉमन सी बात, अभी देख ले एग्जांपल। लेकिन आपको याद है कि लिस्ट और टपल की वैल्यू को भी हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये मान के चलो कि टपल और लिस्ट और डिक्शनरी तीनों के आपके हैं सेम टाइप का ही डेटा टाइप आपके हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों का क्या आपका होगा, इन तीनों को हम अपने अपने पाइथन के वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन रूल क्या है कि पाइथन की डिक्शनरी जो आपकी है बनती है जेसन की बनती है ऑब्जेक्ट, पाइथन की लिस्ट बनता है आपका जेसन का एरे बनता है, पाइथन का टपल जो आपका बनता है जेसन का बनता है एरे, और पाइथन का STR बनता है आपका जेसन में स्ट्रिंग। कॉमन सी बात है, अब पाइथन तो इंट फ्लोट समझता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो आपका है वो इंट फ्लोट को एक बेसिकली वो नंबर ही समझता है। अब बोलियन ट्रू फॉल्स, ये पाइथन की स्पेसिफिक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ बोलियन में हम ट्रू फॉल्स को हम एज अ फर्स्ट लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर। बाकी लैंग्वेज में हम अपने बोलियन को ट्रू फॉल्स को लिखते हैं एज अ स्मॉल लेटर से, एज अ फर्स्ट लेटर। सो ये वही ट्रू है, यही ट्रू है, वही फॉल्स है, वही फॉल्स है। लेकिन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप्स होता है हमारे पाइथन के अंदर नॉन, जिसको हम बोलते हैं नल। नल मतलब खाली है, आपके मार्क्स कुछ भी नहीं है, तो आपके मार्क्स क्या है, जीरो है, आपके नंबर जीरो है, उसको हम नल कहते हैं। अब ये थे हमारे आपस में रिलेशन किसके, पाइथन के और जेसन के। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप किस किस पाइथन के वैल्यू को आप कन्वर्ट कर पाओगे जेसन के फॉर्मेट में, ये रहे डिक्शनरी को, लिस्ट को,
टपल को, स्ट्रिंग को, इंट को, फ्लोट को, ट्रू को, फॉल्स को, नॉन को, इन सब को आपस में आप कन्वर्ट कर पाओगे इसमें अपने पाइथन के इस वैल्यू को जेसन में। तो कैसे करोगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने नोट्स कहीं से कंटेंट उठाए हुए हैं, इस पूरे कंटेंट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे आपने वाले फाइल पर आ जाऊँगा। मुझे इसकी नीड नहीं है, अब इसको हम कवर कर चुके हैं, कमेंट कर दो और नीचे आ जाओ और यहाँ से एंटर मार मार के इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे जो अभी हमने कॉपी किया है इसको आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम, फाइल सेव करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं और जैसा समझते हैं एक्चुअल में कि इसका हमारा आंसर जो है क्या आपका आने वाला है। ठीक है, सो आपको पता चलेगा अभी जो हमने किया था ना, ये जो हमने रिलेशन किया था कि कैसे हमारा पाइथन की जो टाइप्स हैं, टाइप है वो आपस में जब कन्वर्ट होती है जेसन में तो किस फॉर्मेट बनती है, वो आपका इसी फॉर्मेट बनेगा। वो आपको कैसे लगा आइडिया, चल इस पर्टिकुलर जेसन, और हमारा जेसन कहीं भी नहीं है, हमारा यहाँ पे क्या है, जेस है, या हमारा क्या है, जेस, हमारा जेसन नहीं है। ठीक है, क्या आपका है, जेस, क्योंकि आपने शॉर्ट नेम एलियास में जेस रखा हुआ है। आप यहाँ पे जेसन नाम भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दोगे तो आपका वो जेसन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको हटाना है और इसको भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, दिस इज माई, ये एक्चुअल में काम करने का लॉजिक है, प्रोसेस है, इसके स्टेप्स आप करेंगे तभी आपका आउटपुट आएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने फ़ोन में भी ऐप को डाउनलोड करके आप चीज़ों को कर पाओगे इंस्टॉल करके। ठीक है, चलिए अब इस फाइल को सेव करते हैं, ये रहा पाइथन का डिक्शनरी, अपडेट बनेगा पाइथन का लिस्ट, क्या बनेगा आपका, एरे बनेगा, पाइथन का टपल क्या बनेगा आपका, एरे, पाइथन का स्ट्रिंग क्या बनेगा आपका, एसटीआर स्ट्रिंग बनेगा, आप पाइथन का नंबर भी बनता है आपका, बनता नंबर, यहाँ पे इंट फ्लोट है पाइथन में, वहाँ बनेगा आपका नंबर, और ये आपकी बोलिंग बोलिन है, नॉन का आपका डलेगा। सो एक बार नीचे आओ टर्मिनल में और इस टर्मिनल को करो क्लीन और फिर से फाइल को एग्जीक्यूट करो और अपना आंसर देख के जाओ, यहाँ पे देख लो, सबका टाइप भी चेक करोगे तो आपका टाइप भी आएगा, क्योंकि इसको हमने इसी वाले पाइथन के अंदर ही प्रिंट कर दिया ना, इसलिए जब इस वैल्यू प्रिंट करोगे इन सब का आप टाइप चेक करना चाहो तो हर के नीचे आके आप टाइप चेक करना, सबका आपको टाइप भी वो बता देगा, क्या करूँ, सबका टाइप भी वो बता देगा क्या टाइप होगा। ठीक है, इसके लिए हमें टाइप के लिए कोई वेरिएबल लिया नहीं है, आप स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पास करा के इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्पेशली यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेना। मैं जहाँ पे वाई में पास करता हूँ इसको और नीचे आके पेंट प्रिंट कर दूंगा और वाई कर दूंगा, बाकी स्पेशली आप खुद ही कर लेना, ये आपको आइडिया है। चलिए कर लेते टर्मिनल और देख लो ये क्या आपका आ गया, वैल्यू नहीं आया है, टाइप में वैल्यू नहीं आया, ये वैल्यू का डायरेक्टली प्रिंट हो गया, हमें हमें इसका टाइप चेक करना है, हमें टी वाई पी टाइप चेक करना है, हमें वाई का टाइप क्या है। ठीक है, चलिए फिर से करते उसको क्लीन, रन करो, आ गया टाइप के लिए, आ गया एसटीआर। तो ऐसे आप सबका आप टाइप चेक कर पाओगे। सो आई होप कि आपने इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किए कि कैसे हम पाइथन और जेसन के अपने ऑब्जेक्ट को आपस में कन्वर्ट करते हैं, किसके, डंप और लोड फंक्शन के हेल्प से। डंप फंक्शन से आप पाइथन के जिस तरीके को कन्वर्ट कर पाओगे जेसन के ऑब्जेक्ट में, एंड जेसन के ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर पाओगे पाइथन में, उसके लिए होता है आपके पास लोड फंक्शन। प्रैक्टिस कीजिए, इंजॉय कीजिए और आप लोग मुझे मेरे फीडबैक के लिए लाइक कमेंट जरूर देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस, मीट यू नेक्स्ट टाइम अपकमिंग वीडियो। सो आपको थैंक्सफुल आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है, सो एक लाइक करके जरूर जाना।